हेल्डोवॉच न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को विकास अग्रवाल का नमस्कार। लोकायुक्त ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जीआरपी में पदस्थ एएसआई अवधेश मिश्रा को बस ऑपरेटर से 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़कर उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। बस ऑपरेटर से रेलवे प्लेटफार्म के बाहर बस खड़ी करने के एवज में बार बार एएसआई के द्वारा उससे 10,000 रुपये प्रति माह की डिमांड की जा रही थी। आइए सुनते हैं पूरा मामला क्या है। नहीं सर जी सर हाँ सर 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 अरे यार रेलवे चौक इस तरफ से निकलूंगे पटरियों को एक दो नंबर तीन नंबर और कस्टमर अब जी जहाँ से जो भैया इतना जी हुई है कि इनने हमसे पैसे मांगे, गाड़ी हमारी परमिट है हमारा बाकायदा है रेलवे स्टेशन से, और हमें बहुत दिन से प्रताड़ित किया जा रहा था। काय का परमिट है? रेलवे स्टेशन से हमारी बस का परमिट है। हम बस का परमिट भी कई बार थाने में पेश करा चुके हैं साहब, और हर हिसाब से हम कोऑपरेट कर रहे हैं, मगर आज तक हम 20 सालों से गाड़ी लगा रहे। जैन समाज की सुविधा के लिए हमारे लिए परमिट दिया गया, उनका उनके पास बहुत सारे उनके लगेज रहता है उनका जो के, और उस लगेज के लिए हमारे लिए परमिट दिया गया साहब एक गाड़ी अंदर लगाने का। कितनी राशि दी आपने? 10,000 रुपये दी। कितना मांग रहे थे? मांग कितने रहे थे? मांग भी को तो भी 50,000 मांग रहे थे, मगर नाम क्या है आपका? अकबर पठान। कौन सी बस? कौन मांग रहा था आपसे पैसे? पूरी ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक हैं हम। कौन पैसे मांग रहा था आपसे? अवधेश मिश्रा जी। किस पद पे हैं ये? एएसआई। ये कब मांगे थे पैसे आपसे? बहुत दिन से चल रहा हूँ उनका, वो हमें हमारी स्टाफ आए दिन उठा के ले जाते थे सुबह से, और उनको प्रताड़ित करते थे, मारपीट करते थे उनके साथ। कितने पैसे दे चुके थे आप? 800 रुपये पहले दे चुके थे उनको हम ऐसे ही एक बार में, जब जितने जेब में रखे थे, पर उसके बाद उनने हमसे 10,000 की महीने के हिसाब से मांग की, तो हमने उनसे कह दिया कि एक ही बार में आप अपना पूरा हिसाब किताब कर लो, हमें बार बार परेशान नहीं किया जाए। लोकायुक्त में कब शिकायत की थी आपने? एक आध दो महीने हो गए, दो तीन महीने। कई बार मैं गया तो वो मिले नहीं मेरे को उधर अपने ऑफिस में, और जब मैं वो मेरे को ऑफिस में नहीं मिले, कई बार फ़ोन लगाया तो उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, तो इससे डिले हो गया काम, थोड़ा लेट रिगार्डिंग बहुत पहले हो गई थी। आज कब आप वहाँ बस क्यों ले जाते हैं? परमिट है हमारा वहाँ से रेलवे स्टेशन से यात्रियों को ले जाने जी यात्रियों को ले जाने का। कहाँ ले जाते हैं यात्री? कुंडलपुर। ये क्या करते थे? ये वहाँ खड़े करने का वो पैसा मांगते, नहीं तो वो खड़ी नहीं होने देते। हम 20 साल से संचालन कर रहे हैं अपनी गाड़ी का। आज हमने अवधेश कुमार मिश्रा सवनी आरपीएफ को 10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए क्लेम किया है। अकबर पठान आवेदक ने एक शिकायत की थी जिसमें वो अपनी बसों के प्लेटफार्म के बाहर खड़े करने की एवज में रिश्वत की मांग एएसआई कर रहे थे, जिसको हमने तस्दीक किया, सही पाया और आज ट्रेप की कार्रवाई की। कितनी रिश्वत लेती थी? 10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है, और भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 300/2018 के तहत कार्रवाई की। सर कहाँ से ट्रैप किया? रेलवे स्टेशन के बाहर सुलभ शौचालय के वहाँ पर जो है इनको हमने